हेलो दोस्तों, आई एम योर फ्रेंड रमेश कुमार एंड यू ऑल आर वाचिंग स्कॉलर्स स्कूल यूट्यूब चैनल। फिर से एक बार नमस्ते सभी को। और आज हम लोग जो टॉपिक है उस पे बात करने वाले हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, कि हम अपने हेल्थ असेसमेंट कैसे करें। दैनिक जीवन में सभी के पास कुछ न कुछ इश्यूज होते हैं, तो हम एक असेसमेंट करके कैसे अपने रूटीन को और बेहतर करके अपने हेल्थ के प्रति और अच्छे अवेयर हो करके कैसे हम आगे बढ़ सकते हैं, उसी के बारे में आज की चर्चा है। तो आगे बढ़ते हैं। आयुर्वेद में जैसा कि सूत्र दिया गया है, स्वास्थ्य क्या है उसके लिए शम दोष समाग्निश्च सम धातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मेन्द्रिय मन स्वस्थ इति विधीयते। ये सुश्रुत संहिता का सूत्र है, इसमें बताया गया है कि स्वास्थ्य की निशानियां क्या क्या है। तो अगर इस तरह का असेसमेंट करके आप चलते हैं और ये सब चीज़ें आप में घटित हो रही है तो आप स्वस्थ हैं। सम दोष यानी कि हमारे तीनों जो दोष हैं वो समान होने चाहिए, अग्नियां समान होनी चाहिए, धातुएं सब समान होनी चाहिए, और जो मल क्रिया होती है मेटाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म ये सब जो होते हैं हमारे अंदर की जो प्रोसेस है पाचन तंत्र की, वो सब जब ऑप्टिमम लेवल पे चल रहा होता है तो ये स्वास्थ्य की निशानी है। साथ ही साथ आपकी मन प्रसन्न होना चाहिए, इंद्रियां प्रसन्न होनी चाहिए और आत्मा, शारीरिक लेवल, मानसिक लेवल और आत्मिक लेवल, जब तीनों लेवल में हम स्वस्थ होते हैं तभी स्वस्थ कहा जाता है। तो ये एक आयुर्वेद का असेसमेंट है। आगे देखते हैं कि हम अब आजकल मॉडर्न एज में जी रहे हैं तो उसमें हम क्या क्या सावधानियाँ बरत सकते हैं, क्या क्या एसेस करके चले हम अपने प्रति हमारे अपने हेल्थ के प्रति, कि हम आगे अच्छे से अपने लाइफ को कैरी कर सकें। हैविंग अ मेडिकल असेसमेंट इज अ लिटिल लाइक हैविंग एन अकाउंटेंट हेल्प यू डू योर इनकम टैक्सेस। आप देखते होंगे कि बड़े बड़े फैमिली में एक एडवाइजर होता है इनकम टैक्स के लिए, कि आप इनकम टैक्स कैसे पे करें, कितना आपको पे करना है, ये सब एडवाइज करते हैं लोग, वो रखते हैं अपने लिए। तो साथ ही साथ उनका काम होता है कि जो हमारा ओनर है उसके जो बिजनेस है उसको कैसे मैनेज किया जाए, और उसके साथ साथ वो असेस करके चलता है अपने आय व्यय के ब्यौरा को। और तो हम इसी तरह से एक मेडिकल एडवाइज़र भी रख सकते हैं ताकि वो आपके हेल्थ के प्रति आपको अवेयर करता रहे। तो मेडिकल असेसमेंट जब हम अपने आप में करते हैं तो उसी तरह से हम लाभ पाते हैं कि हम अपने जीवन को कैसे उन्नत तरीके से जी सकें। जैसे जो एडवाइजर है इनकम टैक्स का एडवाइजर, वो अपने मालिक को बचाता है कहीं पे फंसने से, उसी तरह से जब हम हेल्थ का असेसमेंट करके चलते हैं तो हम गलत जीवन शैली से बच जाते हैं। दे आर यूज टू एवेल्युएट योर करंट हेल्थ एंड इन द प्रोसेस में हेल्प डायग्नोस एनी प्रॉब्लम यू मे बी एक्सपीरियंसिंग। वो जो आपका हेल्थ एडवाइजर है या जो आप अपने आप से जो हेल्थ असेसमेंट कर रहे हैं तो आपको क्या हेल्प करेगा, वो आपके करंट हेल्थ स्टेटस को एवेल्युएट करके डायग्नोस कर देगा कि आपका अभी ये लेवल है, आप इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, इसको अवॉइड करना है, इसको ऐड करना है। तो ये हेल्थ एडवाइजर का काम है, या आप उसके लिए डॉक्टरी सलाह ले सकते हैं या किसी योग शिक्षक से सलाह ले सकते हैं कि हम
कैसे अपने जीवन को और अच्छा बनाएं, अपने लाइफ को और अच्छा से कैसे जिएं, इस तरह से तो आप कोई भी एक उपाय अपना सकते हैं। जो आप अभी जो दैनिक जीवन अपने हेल्थ के प्रति एक्सपीरियंस कर रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, उसको आपको डिस्कस करना है अपने एडवाइजर के थ्रू। द थ्री मेन कैटेगरीज ऑफ हेल्थ असेसमेंट आर, ये जो कैटेगरी बनी हुई है कि हम कैसे अपने हेल्थ को असेस कर सकते हैं, तो तीन जो माध्यम है, वो पहला पहला है रूटीन स्क्रीनिंग। आपको रूटीनली चेकअप्स कराने चाहिए, स्क्रीन कराने चाहिए आपकी बॉडी की। दूसरा है फंक्शनल हेल्थ असेसमेंट, और तीसरा है पेशेंट रिव्यू इंस्ट्रूमेंट PRI फॉर एंट्री टू अ स्किल नर्सिंग फैसिलिटी। तो एक तो रूटीनली चेकअप्स कराने हैं, फिर फंक्शनल हेल्थ असेसमेंट करना है आपको, और तीसरा है PRI के थ्रू स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटी में वहाँ पे आपको एंट्री कराने हैं। पहला है कि व्हाट इज अ रूटीन स्क्रीनिंग, क्या है रूटीन स्क्रीनिंग, होता क्या है। ए रूटीन स्क्रीन इन्वॉल्व्स लुकिंग फॉर अ स्पेसिफिक प्रॉब्लम, कंडीशन और डिजीज। सम स्क्रीनिंग चेक्स फॉर डिजीज दैट कैन अफेक्ट एनीवन, सच एज स्किन कैंसर, अदर्स सच एज फॉर ट्यूबरक्लोसिस आर रिकमेंडेड ओनली इफ यू हैव सर्टन नोज रिस्क फैक्टर्स। रूटीन स्क्रीनिंग में आपको देखना है कि हमें कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम या इश्यूज तो नहीं है, या कोई डिजीज तो नहीं है। तो इसके लिए कुछ मेडिकल टेस्ट होते हैं, उसको आपको डॉक्टर के एडवाइस से कराने चाहिए। तो उस चेकअप्स में आपको आ जाएंगे कि आपके आपकी किडनी की स्थिति क्या है, लिवर की स्थिति क्या है, हार्ट की स्थिति क्या है, फेफड़ों की स्थिति क्या है, तो ये सब आ जाते हैं। फिर मेजर मेजर जो आपका इश्यूज है वो पता लग जाता है रूटीनली चेकअप में। अब दूसरा जो है असेसमेंट का, वो फंक्शनल असेसमेंट। इन ए फंक्शनल असेसमेंट डॉक्टर्स इवेलुएट अ सीनियर्स जनरल्स हेल्थ। दिस असेसमेंट कुड इंक्लूड, इस फंक्शनल असेसमेंट में डॉक्टर्स क्या करते हैं कि जो सीनियर सिटीजन है उनको हेल्थ को एवेल्युएट करते हैं। और ये क्या क्या आपको इंक्लूड करता है, ये पॉइंट वाइज है। पहला हेल्थ रिस्क अप्राइजल, आपके हेल्थ के रिस्क को वो आपसे डिस्कस करते हैं कि आपको क्या क्या हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। फिजिकल एग्जामिनेशन एंड फिजिकल फंक्शनिंग, कुछ फिजिकल एग्जामिनेशन आपको करते हैं बॉडी में, और उसकी फंक्शनिंग भी एवेलुएट करते हैं। थर्ड है डिमेंशिया स्क्रीनिंग फॉर कॉग्निशन एंड मूड, आपके बुढ़ापे में जो याददाश्त की बीमारी है, मेमोरी की जो बीमारी है, उसको कॉग्निशन एंड मूड का चेकअप्स करते हैं वो। फोर्थ है मेडिकेशन रिव्यू एंड रिकाउंसलिंग इंक्लूडिंग इम्यूनाइजेशन स्टेटस, इन्फ्लुएंजा, टेटनस, न्यूमोकोकस। तो आपके वैक्सीनेशन के बारे में वो क्या क्या कौन कौन से टीके लगे हैं, नहीं लगे हैं, वो सब डिस्कशन करते हैं, रिव्यू करते हैं, मेडिकेशन रिव्यू, काउंसलिंग आपको देते हैं, अच्छा सलाह देते हैं। फिर है न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग, कि आप अच्छे से भोजन में पोषक तत्व तो ले रहे हैं कि नहीं, उसकी स्क्रीनिंग ये करते हैं। लेकिन वैक्सीनेशन और इम्यूनाइजेशन स्टेट के बाद आपका जो नेक्स्ट स्क्रीनिंग जो पॉइंट है वो है न्यूट्रिशन स्क्रीनिंग। आप कैसा भोजन ले रहे हैं अभी, अभी के रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी बॉडी के लिए क्या नीड है, एज के अनुसार आपकी जो आवश्यकता है भोजन की वो बदलती रहती है। तो उसके लिए आपको ज़रूर अपने डॉक्टर्स और
न्यूट्रिशियंस का सलाह लेना जरूरी है। नेक्स्ट की रिव्यू ऑफ सोशल सपोर्ट एंड लाइफस्टाइल इंक्लूडिंग केयर गिवर्स, इसमें आपको आपके सोशल सपोर्ट के बारे में, आपका लाइफस्टाइल और आपके जो केयर गिवर्स है, आपके जो साथ रहते हैं, जो आपको सपोर्ट करते हैं, वो उनका व्यवहार कैसा है आपके प्रति और आपका व्यवहार उनके प्रति कैसा है, ये सब रिव्यू किया जाता है। नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट जो लास्ट पॉइंट है हमारा, व्हाट इज इन ए पीआरआई, पीआरआई में क्या होता है। पीआरआई स्टैंड्स फॉर पेशेंट रिव्यू इंस्ट्रूमेंट। पीआरआई एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसमें कि पेशेंट का रिव्यू लिया जाता है, रिव्यू इकट्ठा करते हैं, एक टूल है यह रिव्यू लेने का पेशेंट का। और मैंडेटरी बाय लॉ बिफोर एनी सीनियर कैन इंटर अ स्किल्ड नर्सिंग फैसिलिटी, जहाँ पर भी अच्छी नर्सिंग फैसिलिटी है वहाँ पर कोई भी सीनियर जा करके अपना ये पीआरआई करा सकता है, और यह 30 दिनों के लिए वैलिड होता है। और इसका जो मेन यूज है, डिटरमाइन द लेवल ऑफ केयर एंड द टाइप ऑफ फैसिलिटी रिक्वायर्ड, आपका जो केयरिंग का जो लेवल है उसके बारे में असेस करता है और आपको किस तरह की फैसिलिटी की रिक्वायरमेंट है इसके बारे में इसमें रिव्यू लिया जाता है आपसे। ए पी आर आई इंक्लूड्स, क्या क्या इसमें इंक्लूड होते हैं वो देखिए, मेडिकल कंडीशन, आपका जो चिकित्सकीय स्थिति है वो क्या है, इसमें आपके बारे में इसमें क्वेश्चन किया जाएगा। सेकंड है ट्रीटमेंट एंड मेडिकेशन नीडेड, आपको किस तरह का चिकित्सा चाहिए, किस तरह की दवाइयाँ चाहिए, उसके बारे में आपको अवेयर किया जाता है इससे। स्पेशल डाइट और थेरेपीज नीडेड, किस तरह का आपको प्रमुख जो मुख्य भोजन है वो क्या क्या चाहिए आपके लिए, हेल्थ एज के अनुसार किस तरह की थेरेपी आपको चाहिए, इसके बारे में भी आपको अवेयर किया जाता है इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। फिजिकल एंड मेंटल एबिलिटीज एंड लिमिटेशंस, आपकी जो शारीरिक क्षमताएँ और मानसिक क्षमताएं कैसी है और उसका लिमिटेशंस क्या है आपकी बॉडी की, मन की, उसके बारे में अवेयर किया जाता है। एबिलिटी टू परफॉर्म एक्ट्स, क्या क्या आप कर सकते हैं, क्या क्या नहीं कर सकते हैं, इसके बारे में भी अवेयर किया जाता है इस इंस्ट्रूमेंट के थ्रू। जैसे कि खाना है तो कैसे आप खा सकते हैं या किसी को खिलाना पड़ेगा आपको, अब इस बारे में भी अवेयर किया जाता है। मूविंग, आप चल सकते हैं कि नहीं चल पाएंगे, या टॉयलेट के लिए जाना है, वॉशरूम जाना है, ऐसी चीज़ों का रिव्यू लेकर के आपको अवेयर किया जाता है कि आपको सपोर्ट लेना है किसी का या आप सेल्फ कर सकते हैं। बिहेवियर सच एज एग्रेसिवनेस एंड डिस्ट्रप्टिवनेस, यानी कि आपका बिहेवियर कैसा है, अग्रेसिव है या नकारात्मक बिहेवियर है, तोड़ने फोड़ने वाला या गुस्सा करने वाला है, इसके बारे में भी आपको इस पीआरआई के थ्रू अवेयर करा दिया जाता है। इसका ये रेफरेंस आर्टिकल है, आप लिंक देख रहे हैं इसमें। तो इस तरह से हम लोगों ने आज चर्चा किया कि हम कैसे अपना हेल्थ असेस कर सकते हैं, किन किन बिंदुओं के थ्रू, तो इन बिंदुओं को आप ध्यान में रखें और किसी भी आप अपने रेगुलर रूटीन चेकअप कराते रहें अपने हेल्थ का, आपकी स्थिति क्या है। यहाँ पर भारत में क्या है कि कई बार पता ही नहीं लग पाता कि किसी को बीमारी है, तो लैक ऑफ चेकअप, रूटीन चेकअप, दे डोंट नो आई हैव डिजीज और नो, इसलिए आपको डॉक्टर से सलाह लेना ज़रूरी है। तो वो आपको जो मोटी मोटी जांच होती है वो तो कराते रहना चाहिए कि लिपिड प्रोफाइल है, के एफ टी एल एफ टी, ये सब जो बॉडी चेकअप है वो कराते रहना चाहिए, ताकि आपकी जो अगर कोई बीमारी डेवलप भी हो रहा होगा तो उसमें वो पता लग जाता है। तो
आशा है दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आएगा। आप लोग इसे अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से इसको शेयर कीजिए, ताकि हेल्थ की जो ये कारवां है अवेयरनेस की, वो बढ़ता रहे। और स्कॉलर्स स्कूल की तरफ से आप लोगों को बहुत सारी ढेरों बधाइयाँ। जो अभी साल बीत रहा है हमारा 2021, उसके लिए बधाइयाँ। और जो नए साल आने वाला है उसका वेलकम हम लोग करेंगे अपने नए वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, वेरी गुड, नमस्ते। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ नए साल में। इस प्रार्थना के साथ आज की चर्चा समाप्त करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। आप सुखी रहें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें और अपनी अवेयरनेस को बढ़ाते रहें। आप स्वास्थ्य के प्रति जो अवेयरनेस है उसके आप जानकारी लेते रहें। आप कमेंट कर सकते हैं आपको क्या चाहिए, किस टॉपिक के ऊपर आप अवेयर होना चाहते हैं। कमेंट करेंगे, हम लोग आपको प्रोवाइड करेंगे आपका सॉल्यूशन।